अभी उनका कुछ प्लान बना है एक राइड पे जाने का, सो आपको बता देते कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। पत्नीटॉप। यस गाइस, गाइस चेक इट आउट यार, क्या सीन है यार। ओ भाई साहब, बाइकर्स देखो यार, भाई देखो यार कितने ज्यादा बाइकर्स हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या बात है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे जम्मू वाले रूम से। सो कल शाम को मैं जम्मू पहुंच गया था और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रूम में कौन कौन है। इस बार आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि रूम में आज कौन है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको कैमरे में दिख रहे भाई जतिन, ये भी रेडी हो रहा है। जम्मू में दो हेलमेट्स नेसेसरी है। और उसके बाद आपको मिलाते हैं मेरी मम्मी से भाई, ये भी लास्ट 4 to 5 days से जम्मू आए हैं क्योंकि अभिषेक के थोड़े दिनों के बाद पेपर है, तो थोड़ी उसकी हेल्प कराने आए हैं। और एक हमारे घर के जो सबसे नलायक लड़के हैं जिनका सिर्फ ध्यान फोन में लगा रहता है, वो देखो अब कैसे निकले हैं बाहर। आप उन्हें पता कि मैं ही नलायक हूँ तो वही बाहर निकला है, उसकी मुंडी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही निकला बाहर। सो चलो गाइस, आज का प्लान हमारा कुछ ऐसा कि आज हमने जाना है भव्य वाली माता, सो अभी हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं, ठीक है मम्मा। फिर आते हैं वहाँ से, तो अभी चलो यहाँ से चलते हैं सीधा, आपको बाइक के पास जाके मिलते हैं गाइस। जी आप भी बाइक के पास आ गए हैं। सो अभी हम इसको कॉल स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम रात को कज़न के रूम में गए थे, सो वहाँ पर हमने सुबह जब आए हैं वहाँ से तो हमने कॉल स्टार्ट कर ली थी। सो और आपको चेक आउट यार करो यार, न्यू ग्लव्स लिए मैंने अपनी बाइक के लिए, बाइक के कलर के साथ एकदम मैच कर रहे हैं। सो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं पहले जल्दी, आज हमको पहले भवेली माता जाना है। और मेरे को देखना है कि इन ग्लव्स की ग्रिप वगैरह कितनी है, थोड़ा सा मेरे हाथ में ऐसे टाइट लग रहे हैं, एक साइज छोटा मंगवा दिया मैंने, बट कोई सीन नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। सोच रहा था कि पहले इन्हें रिटर्न करा देता हूँ, फिर मैंने सोचा रहने ही देते हैं यार, क्या करने रिटर्न करा के। कुछ अभी ऐसी सी जगह में पहुंचे हैं यार, और जम्मू में आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है जम्मू में। और सुबह से आज यहाँ पे धूप नहीं आई है, तो आप समझ सकते हो कि क्या सीन हो रहे हैं। अभी तक मेरे को थोड़ी थोड़ी ऐसे धुंध दिखाई दे रही है, और यार थोड़े ग्लव्स टाइट होने के कारण ना थोड़ी मूवमेंट्स वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ग्लव्स यार, क्योंकि मतलब इतना जल्दी ब्रेक पर हाथ नहीं जा रहा है। बट यार जम्मू में एक चीज़ तो कभी चेंज नहीं हो सकती है, वो है ट्रैफिक यार। सो भाई मेरे जब भी निकलते हो अपने साथ कोई पिलियन राइडर लेके, तो डबल हेलमेट जरूर यूज़ करो। अभी देखो पुलिस वाले हैं, सो हमें किसी भी चीज़ का यहाँ पे डर नहीं है क्योंकि हमने डबल हेलमेट है और अपने पास डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं, सो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। सो भाई बाइक खींचने का इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है विदाउट एग्जॉस्ट यार, ओरिजिनल साउंड तो ओरिजिनल होती है बाइक की, क्या बात है यार। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, मज़े आ रहे हैं यार। अभी मैंने ग्लव्स वगैरह उतार दिए हैं यार, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था और मेरे मतलब कि मेरा पूरा हाथ ना ब्रेक पे नहीं आ पा रहा था, तो मैंने सोचा कोई सीन ना क्रिएट हो इसलिए इन्हें उतार ही देते हैं। क्योंकि मैंने ग्लव्स का साइज़ ना मीडियम मंगवाया था, तो अब मैं शायद लार्ज मंगवाऊँगा क्योंकि यार ये मतलब कि बिल्कुल यूज़ के नहीं है अभी। मजे यार, क्या बात है। अभी बाइक पार्क कर दी है, सो मैं और अभी जतिन यहाँ से जाएंगे। और आज ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील लग रहा है क्योंकि आज बहुत देर के बाद मैं किसी ऐसे माता के स्थान पे आया हूँ, बहुत देर पहले आया था, बट आज चलो माता रानी ने बुला ही दिया अपने दरबार पे, तो अभी चलो यहाँ से चलते हैं। सो कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं फर्स्टली दुकान से, फिर वहाँ पर जाके चढ़ाएँगे प्रसाद वगैरह। सो मेरे साथ है जतिन, और जतिन ने भी हेलमेट पहनी हुई है ना भाई, हेलमेट एक ज़रूरी चीज़ है ना, सेफ्टी अपनी है ना। हम दर्शन करके आ चुके हैं माता रानी के। ओ जतिन भाई ये रेट है ना। सो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाइक अपनी बाहर लगाई है पार्किंग एरिया में। सो ये है कुछ प्रसाद वगैरह, सो अंदर माता रानी के द्वार पर भी चढ़ा दिया है। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और अभी होने वाली है ख़तरनाक ट्रैफिक राइड है ना, होने वाली है क्या। जम्मू में आज मौसम भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, इतनी जम्मू में मैंने कभी आज से पहले इतनी ठंड नहीं देखी है। और अब भी आगे नाका भी लगा हो सकता है, बट कोई टेंशन नहीं यार, चलो इजी इजी चलते हैं हम अपने। ओ भाई ये क्या हुआ यार, भाई साहब कसम से हिल गया यार मैं भी, बहुत ही गंदी क्लोज कॉल थी यार ये।
सबसे पहले सीन चेक करो यार, देखो कितनी ज़्यादा बाइक्स लगी हैं। और एक्चुअली सीन ऐसा कुछ हुआ कि मैं घूमट गोलवे की शॉप पे रुका, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई आए हुए थे अपने, जतिन भाई, जे एस ब्लॉक्स और सैम स्टंट्स वगैरह। तो अभी इनका कुछ प्लान बना है एक राइड पे जाने का, सो आपको बता देते कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं किधर भैया, किधर जा रहे हैं? पत्नीटॉप। यस गाइस, तो अभी पहले अब सबसे पहले बाइक्स वगैरह देख लो, वर्जन 4, B4, ड्यूक 250, RS 200, भाई फुल ग्राफिक्स कराए हैं भाई ने अभी। सो अपनी असॉल्टर यहाँ पे लगी है, तो अभी हम रुके हैं कुछ पेट्रोल पंप के पास, तो यहाँ से हमने अभी बाइक पे फ्यूल अप कराया। सो यहाँ से अभी चलो निकलते हैं गाइस। और आज का सीन काफ़ी ज़्यादा क्रेजी रहने वाला, और आपके लिए यार इतनी मुश्किलों में भी, इतनी ठंड में भी कंटेंट ला रहे हैं, तो होप करूंगा कि आप भी सपोर्ट करोगे चैनल पे, और जल्दी से जल्दी हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। सो चलो भी गाइस निकलते हैं अपनी राइड पे, सो आपको सीधा जाके बाइक पे मिलते हैं गाइस। सो गाइस एक बार मौसम को चेक करो यार, जम्मू में कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी है, और इस समय इस जगह पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और अभी हम निकल चुके हैं पत्नी टॉप के लिए, सो काफ़ी ज़्यादा राइडर्स हैं, 2-3 राइडर्स आगे निकल चुके हैं, बट अभी मैक्सिमम पीछे हैं अपने। सो वो सभी आ रहे हैं, क्या बात है यार, जगदम से प्लान सब बना है कुछ आज राइड पे जाने का। सो मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस मौसम में बाइक चला के। थोड़ा ग्लव्स की प्रॉब्लम हो गई थी पहले, बट कोई सीन नहीं, इतना ठंड तो हम कंट्रोल कर सकते हैं यार, रजौरी से बिलोंग करते हैं, क्या बात करते हो। जम्मू की ठंड का ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता अपने आप पे भाई। जे एस भाई की जो ड्राइविंग है ना, ऑसम है यार, काफ़ी तगड़ी ड्राइविंग करते हैं, और कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उनका। सो आपको इस ब्लॉग में प्रॉपर स्टंट्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे यार, जो जो पत्नी टॉप की राइड होने वाली है ना, ये आप भूल नहीं पाओगे, ऐसी राइड होने वाली है और ऐसे ब्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। गाइस एक बार बाइक चेक करो यार, कितनी बाइक्स अपने साथ है यार, क्या बात है, देख रहे हो आगे भी बहुत सी बाइक्स हैं अभी यार, पीछे भी आ रही हैं, एक दो बाइक अभी पीछे भी हैं भाई साहब, चेक इट आउट। भाई देखो यार कितने ज़्यादा बाइक था यहाँ पे, वो भाई साहब क्या बात है, देख सकते हो यार अभी हम रुके हैं सभी व्यू पॉइंट पे, भाई साहब क्या मज़े आ रहे हैं यार। ग्लव्स पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं बार बार उतार रहा हूँ ग्लव्स यार, दुरुस्त पहन के वो ग्रिप नहीं आ रही, हाथों में ब्रेक्स पे जल्दी हाथ नहीं जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन बनते हैं भैया अपने यार। सो अभी यहाँ से जैसे निकलते हैं फिर आपको मिलते हैं यार सीधा जाके बाइक पे गए। चेक इट आउट यार, ये देखो टनल पे पहुंच चुके हैं हम यार, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है यार, चेक इट आउट यार, क्या सीन है यार, ओ भाई साहब, बाइकर्स देखो यार, सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। सो होप करूँगा कि यार आज की राइड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट्स करके बताओ कि कैसी लगी है। सो मैं सोच रहा हूँ कि आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया, सो अब आगे का लाइट का इशू होगा तो ब्लॉग इतना खास शूट नहीं हो पाएगा, ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसी तरह अपनी सपोर्ट बनाए रखो। सो आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, कल की शुरुआत हमारी होगी पत्नी टॉप से। सो तब तक के लिए यार सभी अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।